फ्रेंड, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम के स्पेशल इंग्लिश, जैसे कि हॉर्नबिल। जी हाँ, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, ये दो बुक्स आपको अवेलेबल हैं। स्नैपशॉट्स आपकी सप्लीमेंट्री बुक है और आपकी मेन लिटरेचर बुक हॉर्नबिल है। तो हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, उसकी बात हम करेंगे। जी हाँ, खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं इस पोयम के, इस पूरे चैप्टर के, पोयम तो नहीं, ये पूरा चैप्टर स्टोरी है, उसके ऑथर हैं। तो आज उसी की बात हम करने वाले हैं। क्या है ये पोयम में, क्या है इस पूरी स्टोरी में, चलिए हम बात करते हैं। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस स्टोरी को लिखा है खुशवंत सिंह ने। जी हाँ, तो चलिए इसकी बात हम करते हैं कि खुशवंत सिंह कौन है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की, चैप्टर बेस्ड किस चीज के ऊपर है, ये पूरा जो लेसन है किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली बात ये कि जो पूरा चैप्टर है ये पूरी तरह से रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। जी हाँ, खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है उन्होंने लिखी है, मतलब इसे हम ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं कि उन्होंने खुद के ऊपर लिखी है। तो खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों के बीच की जो स्टोरी है, खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो पूरी स्टोरी है, उसी को क्या कहा गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कहा गया है। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने यही डिपिक्ट किया है, पूरे चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि उनकी दादी कैसी है, कैसी दिखती है, उनका कैरेक्टर नेचर कैसा है और उनके साथ उनका अटैचमेंट और उनका बिहेवियर कैसा है। तो चलिए हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहली बात कि ये जो लेसन है रियल लाइफ अकाउंट है, दैट मींस रियल लाइफ स्टोरी है, यानी खुशवंत सिंह ने अपने खुद की दादी के ऊपर एक कहानी लिखी हुई है। दूसरी बात, ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, तो वही जब मैंने आपको बताया कि उनके ग्रैंड मदर और उनके बीच की ये स्टोरी है और दोनों के बीच का कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, मतलब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी दादी वैसे वैसे बूढ़ी होते जाती हैं, तो फिर भी वो बड़े होने के बाद और उनकी दादी की बूढ़ी होने के बावजूद भी उनके बीच का रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसा रहता है, उसी को आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात भाई देख लीजिए कि खुशवंत सिंह यहाँ पे मेन कैरेक्टर होंगे और उनकी दादी के ऊपर लिखा उन्होंने, तो वो भी उनकी दादी भी मेन कैरेक्टर है और वैसे भी उनकी दादी के ऊपर ही लिखा गया था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी को डिपिक्ट करना, पोर्ट्रेट मतलब आप जानते हो किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना। अगर पोर्ट्रेट फोटोज आपने मोबाइल में ली होगी तो आप जानते हैं सब कुछ ब्लर होता है, एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो वैसा ही है लेडी के ऊपर फोकस है, बाकी सब कुछ ब्लर है, यानी दैट मींस बाकी किसी की बात नहीं कर रहे वो फैमिली में, सिर्फ और सिर्फ अपने दादी की बात कर रहे हैं। तो एक लेडी के बारे में सब कुछ फोकस करके बात बता रहे हैं, ओल्ड लेडी के बारे में, ठीक है। और कौन बता रहा है, खुशवंत सिंह। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑथर के बारे में, इसकी स्टोरी का प्लॉट तो हमने जान लिया कि भाई स्टोरी क्या है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है लेसन। अब हम बात करते हैं इसके ऑथर की, यानी कि जिसे लिखा है इसे, ठीक है, खुशवंत सिंह ने लिखा है इस कहानी को। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि खुशवंत सिंह इसके ऑथर है, यानी इसके राइटर है। तो खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं और उनकी बर्थ और डेथ क्या है, एग्जाम्स वगैरह पूछते हैं क्वेश्चन तो आते हैं, तो जल्दी बात करते हैं। खुशवंत सिंह एक लॉयर है, पेशे से वकील रहे हैं, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखते हैं और जर्नलिस्ट भी है, मतलब पत्रकारिता करते हैं और पॉलिटिशियन भी है, यानी कि वो डिप्लोमेट भी है, यानी पॉलिटिक्स में भी रहते हैं और तो जर्नलिज्म तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी खासियतें हैं। इनका जो बॉर्न यानी कि जो बर्थ है वो हुआ है 2 फरवरी 1915 को पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान उस वक्त इंडिया में आता था, 1915 की बात है, तो उस वक्त इंडिया में ही बॉर्न हुए थे, लेकिन नॉट इन पाकिस्तान, ठीक है। 2 फरवरी 1915 जो पंजाब का एरिया पाकिस्तान में है वहां पर बॉर्न हुए थे। और फाइनली इनकी जो डेथ हुई है वो है 20 मार्च 2014। जी हाँ, 20 मार्च 2014 को न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई है। उसके पहले ऑलरेडी उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, बहुत फेमस है और ये नॉवेल की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम है इंडिया की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर है, एक है खुशवंत सिंह और दूसरी है ओल्ड लेडी। खुशवंत सिंह जो है ग्रैंडसन पोते हैं ओल्ड लेडी के और ओल्ड लेडी जो है ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की। तो इस प्रकार से इस कहानी का पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दादी का और खुशवंत सिंह का, यही दो ही तो है, बाकी कोई इंसिडेंट ही नहीं है, बाकी कोई लोग ही नहीं है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो उसके कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच, मतलब उन कैरेक्टर की सोच क्या होती है, कहानी के पात्र और कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, कहानी किसने लिखी है, कहानी की पूरी समरी क्या है, बस यही याद रखिए, पूरा इंग्लिश आप कवर कर पाएंगे और बढ़िया से कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सब कुछ, यहां पर आप सब कुछ देख पाएंगे। अगर आपको इसके डिटेल्ड कंप्लीट नोट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी या चैनल के किसी भी वीडियो पर चले जाइए, वहां के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भेज दूंगा, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी जो है पेन पेपर मेथड से, यानी कि विदाउट फेस दिखाते हुए, पेपर बुक का ही मैं रिकॉर्डिंग करते हुए, एक एक लाइन बाय लाइन समझाते हुए आपको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए यहां पर बात कर रहे हैं हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह हमारे ऑथर ने।
और ये कहानी बेस्ड है एक बूढ़ी औरत पर और उनके जो पोते हैं उनकी बात। तो चलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टोरी को एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि खुशवंत सिंह जो एक छोटे बच्चे हैं और उनकी दादी है ग्रैंड मदर, ठीक है। तो वो अपने दादी के साथ रहते हैं गाँव में, इनके पेरेंट शहर में रहते हैं, पेरेंट दोनों जॉब करते हैं तो दोनों शहर में रहते हैं और ये अपने दादी के साथ गाँव में ही रहते हैं। तो दादी इनकी देखभाल करती है, दादी इन्हें नहलाते खिलाती है, वही उन्हें पढ़ाती लिखाती है। पढ़ाती दैट मीन्स दादी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दादी इनको स्कूल भेजती है, ठीक है। तो कहानी बताता हूँ मैं इनकी दादी को, पहले डिपिक्ट करता हूँ कि दादी कैसी है। दादी के पूरे बाल सफेद हैं, पूरे व्हाइट, साथ ही साथ वो वही कपड़े पहनती है, पुराने पंजाबी लेडी है। ऑलरेडी अपना नाम से जान गए खुशवंत सिंह, तो पंजाबी लेडीज जो होती है वो सूट वगैरह पहनती तो आप जानते होंगे, ठीक है। और उनके चेहरे पे झुर्रिया है, पूरी ओल्ड लेडी है तो झुर्रिया होंगी, ऑब्वियस सी बात है। वो देखते हैं कि उनकी दादाजी की फोटो, यानी दादी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, दादाजी की फोटो दीवार पर टंगी है, बहुत ही यंग दिख रहे हैं। तो वो हैरान होते थे कि इतने यंग आदमी, मतलब ऐसा है तो ये दादी को, मतलब दादी इनके साथ कैसे शादी कर सकती है, कैसे ऐसे हो सकते हैं। और तो वो कंपेयर करते हैं, दादाजी तो पहले डेथ हो गई यंग एज में और वो ज्यादा बूढ़े नहीं थे, तो फिर वो देखते अपनी दादी को, बचपन से उन्होंने बुढ़ाई देखा है। तो दादी को और दादाजी को जब कंपेयर करते हैं कि दादी तो इतनी बूढ़ी दिख रही हैं अभी रियल लाइफ में, और दादाजी को तो देख नहीं पाए, दादाजी जो यंग थे, तो कैसे दोनों की शादी होगी, वो जस्ट इमेजिन करते बच्चे वाली सोच कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि दादाजी जो है बहुत यंग है, स्मार्ट है, तो दादी से कैसे शादी कर सकते हैं। फिर वो दादी के बहुत क्लोज है, बुराई नहीं कर रहे दादी की, बस वो कंपेयर कर रहे थोड़ा सा, ठीक है। फिर क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, सुबह नाश्ता इनको मिलता है बासी रोटियां और उसपे मक्खन वगैरह लगा के दादी इनको खिलाती हैं और कुछ रोटियां रख लेते हैं ताकि रास्ते में जा रहे हैं कुत्ते को खिलाएंगे, ठीक है। जाते वक्त रास्ते में जानवर कुत्ते मिलते हैं तो उन्हें खिलाती है इनकी दादी, यानी दादी बहुत काइंड हार्टेड है। तो इनके कैरेक्टर का एक और बात पता चल रही है कि दादी काइंड हार्टेड है, एक तो स्ट्रांग है क्योंकि बिना हस्बैंड के अकेली रह रही है, अब उनके बेटे भी साथ में नहीं है। तो सबसे पहला किसी भी कैरेक्टर के बारे में जानिए भाई, जो भी कैरेक्टर है ना उसकी खासियत जानिए। तो दादी के कैरेक्टर की पहली बात खास ये कि दादी अकेले लाइफ जी रही है, ठीक है, बिना अपने बेटे बहू के सपोर्ट के। दूसरी बात कि हस्बैंड ने तब भी जीत रही है, और तीसरी बात ये काइंड हार्टेड है ना, बच्चे को तो खिला ही अपने पोते को लेकिन जानवरों के लिए भी, कुत्तों को वो खाना दे रही है, दैट मींस काइंड हार्टेड है, यानी एनिमल को भी केयर करती है, प्यार करती है वो। फिर वो स्कूल जाती है, साथ में स्कूल जब उनको छोड़ने जाती है तो बच्चा उनका स्कूल चला जाता है 4-5 घंटे के लिए, तो वो घर नहीं आती वापस, उसी स्कूल के जस्ट बाजू में ही पास में ही एक गुरुद्वारा रहता है, धार्मिक स्थल है, वहां पर जाकर वो बुक्स पढ़ती थी वहां पर, ठीक है, वहां की धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, वहीं पर पूजा पाठ करती थी, वहीं रहती थी। फिर जैसे बच्चे की स्कूल की छुट्टी होती थी वो बच्चों को साथ में लेकर फिर वापस घर आती थी। तो कहने का मतलब है कि दादी घर पे अकेले नहीं रहना चाहती, जब तक उनका पोता साथ नहीं है तो वो भी उधर ही बाहर ही रहकर अपना टाइम पास करती है, अपना मन बहलाती है, क्योंकि घर में करने को कुछ है नहीं उनके पास, ठीक है, काम ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ और करना नहीं है उनको, घर में अकेली है, ठीक है, पोते को संभालना है बस। तो फिर वो आती है, फिर ऐसी लाइफ चलती रही है उनकी, ठीक है। दादी उनकी पढ़ाई में कुछ हेल्प तो नहीं करती लेकिन हाँ उन्हें स्कूल छोड़ने जरूर जाती है क्योंकि दादी को पढ़ा लिखा तो आता नहीं है तो हेल्प करती है। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है, बुलावा आता है दादी का और उनके पोते का, उनके पेरेंट्स बुलाते जो शहर में रह रहे हैं, खुशवंत सिंह जो है उनके माता पिता जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, बोलते कि नहीं आपको आके हमारे साथ शहर में रहना पड़ेगा। तो ये लोग शहर में चले जाते हैं तो वहां भी उनकी लाइफ चल रही है। फिर वो स्कूल से अपने अपर एजुकेशन में जाते हैं तो दिन ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते हैं, 7-8 साल हो गए। फिर वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जब वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं को विदेश जाना होता है हायर स्टडीज के लिए खुशवंत सिंह को, ठीक है। फिर ये सोचते हैं कि अब तो दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अब मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ ग्रेजुएशन करने के लिए, 5 साल जो एडवोकेट बनने के लिए, लॉयर थे ना तो वकील बनने के लिए वहां जा रहे थे, तो भाई 5 साल बाद जब मैं लौटूंगा तो दादी की तो डेथ हो सकती है। वो जानते थे कि दादी इतनी बूढ़ी है तो इतनी 5 साल तो जिंदा नहीं रह पाएंगी, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। तो बहुत ही भारी मन से विदा होते हैं, दादी उन्हें हंसी खुशी छोड़ती हैं, रोती भी हैं लेकिन खुशी से भेजते हैं कि जा भाई तू पढ़ के आ, अच्छा नाम करेगा। फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो आते हैं 5 साल का पढ़ाई पूरी करके तो अनफॉर्चुनेटली दादी उनकी जिंदा रहती है, अनफॉर्चुनेटली मतलब खुशी की बात कहेंगे हम, क्यों जिंदा रहती हैं और बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करती हैं। साथ ही साथ फिर उन्हें उनके लिए जब वो आते हैं तो पढ़ के तो उस खुशी में वो गांव में प्रोग्राम रखती है, पूरा बढ़िया सा है ना, नाच गाना होता है, ढोल वगैरह लेकर आती है, बुला लेती है, पूरा गाना वाना सब चलता है, बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। लेकिन उसके अगले ही दिन, 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है दादी की, दैट मींस दादी जो है मरने की कंडीशन में आ गई है। तब वो खुशवंत सिंह सोचते हैं कि मतलब दादी 5 साल से मेरा ही वेट कर रही थी, मेरे ही इंतजार में थी, पूरी खुशी उन्होंने मनाई और आखिरी में उनकी डेथ हो गई। तो भाई कहानी कुछ ऐसी तो आप दिखा रहे हैं कि दादी जो है 5 साल उनका लंबा इंतजार करती रही, अपने आप को इतनी स्ट्रांग रही थी कि अपने आप को चलाती रही कि होप है कि एक दिन मेरा पोता आएगा मैं उससे मिलूंगी, तो होप के ऊपर, फेथ के ऊपर वो जिंदा रही और आखिरकार उनका बेटा पोता आता है, उनसे मिलती है और वो उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा अचीव करने के लिए, पूरी संतुष्ट हो जाती है, लाइफ पूरी जी लेती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी थी, ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी का ये प्लॉट है,
इस कहानी में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या लिखा गया है, सारी बातें हैं। तो दिस इज द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह हु इज एन इंडियन ऑथर, जो कि इंडियन ऑथर है। ठीक है, इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स है, ग्रैंड मदर जो कि द ओल्ड लेडी है और ग्रैंडसन जो कि खुशवंत सिंह है, वो अपनी दादी के ऊपर उनके बीच और अपने बीच के रिलेशनशिप को लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक और वीडियो यहां अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं पूरे चैप्टर्स के वीडियोस, सारे पोएम्स के वीडियोस अपलोड करूं, एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप और भी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस, फैक्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट हॉर्नबिल का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पीस।